Ladies and gentlemen, I, Dr. Sandesha Raipa Garbyal, faculty at Jawaharlal Nehru University of Delhi, though I speak in English and I do teach English in Jawaharlal Nehru University, I would like to right now communicate in Hindi if that's okay with everybody. The reason I would choose that is, as you will further understand when I explain the entire topic of today. जो हमारा टॉपिक था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो था डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस. इंडिजिनस एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है. इंडिजिनस वो होता है जो एक एरिया का नेटिव होता है, जो वहाँ से उस चीज़ वहीं से शुरू हुई है. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, उनको लगता है कि पूरी दुनिया में जो मैं आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो खाली एक इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई एम देयर वॉइस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे. नॉट ओनली दिस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कि मैं आज एक फुल सर्कल में आई हूँ, क्योंकि यही डायस था जहाँ पे मैं पहली बार, जैसे मैम यहाँ पे कंपेयर कर रही हैं, मुझे योगेश गर्ब्याल जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया था कि इफ़ आई कुड जस्ट हेल्प आउट विद फ्यू वर्ड्स. और तब बातों बातों में एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन से राबा जी, सत्येंद्र जी, पांति जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन से कम्युनिटी की हो, व्हाट डू यू डू. एंड जब बातों बातों में उन्होंने मुझे बोला कि क्या तुम एक ऐसे यूनिवर्सिटी आने के बाद कुछ अपने कम्युनिटी के लिए करना नहीं चाहती हो, तो जो प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन ऐसा चीज़ है जो कोई भी कर सकता है और ज़्यादातर लोग करते हैं, बट कोई ये नहीं सोचता है कि लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने के बाद उस कम्युनिटी को आगे कैसे उस डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ हो, वो प्रिजर्व कैसे करें. और जो हमारा रंग समाज है ये उत्तराखंड के बॉर्डर में आता है, जो बॉर्डर रीजन होता है एक साइड में चाइना, विच इज़ ऑब्वियसली टिबेट ऑक्यूपाइड बाई चाइना, देन वी हैव नेपाल ऑन द अदर साइड एंड वी हैव इंडिया. एंड मेरे जो फोर फादर्स हैं वो एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे हम लोग माइग्रेट करते हैं, 6 महीने हम एक जगह से, 6 महीने हम दूसरे जगह. एंड व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, ये एक स्पेशल रीज़न है जो मैंने आज ये जो मैंने अपना अटायर पहन रखा है, इसको हम चुंगवाला कहते हैं. आई एम गोइंग टू शो इट टू एवरीबॉडी. ये चुंगवाला, अगर आपको लगता है साड़ी पहनने में डिफ़िकल्टी है तो आपको पता नहीं चुंगवाला पहनने में कितना डिफ़िकल्टी है. एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अपलॉड अ लेडी, मिसेस हीरा गुंजियाल, वेर एवर शी इज़. कैन आई रिक्वेस्ट हर टू काइंडली स्टैंड अप, शी इज़ देयर एट द बैक. मैम इज अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन. शी नॉट ओनली हैज ब्रॉट हर एंटायर अटायर विद द ज्वेलरी, शी एक्चुअली मेड मी वेयर इट एंड शी लर्नड इट टू मेक मी वेयर इट. आई थैंक हर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में ऐसी ये चुंगवाला कैसे पहना जाता है इसको भी डॉक्यूमेंट करके हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को सिखाया जाएगा. आई एम अ मदर ऑफ टू डॉटर्स, अगर मुझे चुंगवाला पहनना नहीं आएगा तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी. तो आई होप दैट पीपल लाइक मिसेस गुंजाल एंड अदर पीपल फ्रॉम माई कम्युनिटी विल हेल्प मी टू डॉक्यूमेंट नॉट ओनली द लैंग्वेज एंड द कल्चर, बिकॉज बोथ लैंग्वेज एंड कल्चर इंटर रिलेटेड. और 5 D's के बारे में बताऊंगी. एक है डाइट, ड्रेस, डांसेस एंड सॉन्ग्स, dwellings, dwellings मतलब जिस घर में जैसे आप रहते हैं, और जो आपका dialect मतलब language. ये चीज़ें हैं जो बहुत सारी आपकी ethnic identity को बहुत पकड़ के रखता है. So thank you so much ONGC for this opportunity. Thank you so much. ये helping hand आप सुनने में common terms है. जब दिल्ली पुलिस में join किया आपने सुना होगा, अखबार में जरूर पढ़े होंगे, जो आज स्टेट वहां से जो आते हैं दिल्ली में या मुंबई या बेंगलोर में, कहीं ना कहीं उनका जो रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, उनका वे ऑफ लाइफ अलग है. तो जिसका कारण बहुत बार ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है. अरुणाचल के छोड़ के बाकी नोटिस सब जरा हिंदी तो इतना जानते नहीं है. तो हमने जो हेल्पिंग हैंड, ये जो एक छोटा सा एनजीओ है, ये वर्चुअल एनजीओ है, जो तमाम जो सर्विंग आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो उस साइड का हम मिलके एक छोटा सा बनाया, ये लाइक माइंडेड, ताकि हम कहाँ पे जो सरकार तो कर ही रहा है, जहाँ पे जो हम भी अपना पे बैक की तरह, जो अपना हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी डॉक्टर संगीता बेटी है, मैडम रजनी भी बैठी हुई है, हेल्पिंग हैंड का है. तो ये एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है, ताकि
उस आप बहनों जो भी यहाँ जो युवा आते हैं दिल्ली में, उनको कैसे हम इसमें स्मूथली इंट्रोड्यूस करें दिल्ली वालों के साथ या मेनलैंड के साथ में? तो हमने सोचा बहुत कुछ जो कर रहे हैं हम, अपना ब्लड बैंक भी है, हम डेड बॉडी भी बारी करते हैं, स्कॉलरशिप भी हमें वी फैसिलिटेट यूपीएससी के लिए आईआईटी ग्रेजुएट के लिए करते हैं, उसके बाद में देन हम अपना ऑर्फन जितना भी हमें अबंडन डिस्ट्रेस जो भी जिसका कोई रिलेटिव नहीं होता वी टेक ओवर करा के सारा देश में हिंदुस्तान में और विदेश में भी वॉलंटियर्स है 1 crore 62 lakhs ना हमारा फेसबुक में इसमें है और जो सारा दुनिया से। तो आज आई एम रियली थैंकफुल टू ONGC। हमने तो सोचा नहीं था कि शायद अप्रूव होगा कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच जो बैठे हुए आए। ये पता था कितना दिलदार है, सुनते थे पहले ये तो तेल तेल निकालने वाले हैं, अब समझ में प्यार भी निकालता है। थैंक यू सो मच। और जब मैंने ये ONGC को मैंने इन्होंने जो अप्रूव किया, हमारा ये छोटा सा प्रोजेक्ट है कि हम ये किया था कि इनक्यूबेशन इनिशिएटिव्स फॉर नॉर्थ ईस्ट पीपल इन सिटीज, हम एक्सपेरिमेंट दिल्ली के लिए करना चाहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। ये क्या सेंटर है इंक्यूबेशन, मतलब है कि आप सुनते हैं कि जो एक अजीब सा एक बना करके उस पर हम अंडा डालेंगे, नहीं वो नहीं है। ये इंक्यूबेशन वो सेंटर हमने एनालिसिस किया है, जैसे हम NCR में 12 लाख नोटिस गाजियाबाद फरीदाबाद ये जो गुड़गांव दिल्ली सबको मिला के 12 लाख के करीब है। उसमें युवा हैं ऑलमोस्ट 60% जो है ना प्राइवेट कंपनी में काम करने आते हैं स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में, हम लोग लकी है ऑल इंडिया सर्विस में आ गए। इसमें हमने एनालिसिस किया है कि ज़्यादातर में 4-5 पेरेनियल प्रॉब्लम उनको हर रोज फेस करना पड़ता है। देखो नंबर 1 भाषा, हिंदी नहीं समझता है। दूसरा उनको अपना लेबर लॉ के बारे में नहीं मालूम है, उनको वेजेस कितना मिलना है, अगर उसमें जहाँ पे भी आप नौकरी कर रही है या कर रहा है उसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो आगे क्या करना है, कहाँ से रिलेशन, उनको ये नहीं मालूम है। तीसरा पॉइंट है कि बहुत लोग जो अनफॉर्चुनेटली जो लोअर स्टेटर जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में BPOs में सेल्स गर्ल में जैसे एम्बियंस मॉल में 35% आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, तो उनको ये नहीं मालूम है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो माने ना माने हर रोज हम पुलिस, क्योंकि हम तो पुलिस वाला है हर रोज दिल्ली पुलिस में भी हर रोज आते हैं, ये कुछ लोग तो बताते भी नहीं हैं हैरेसमेंट होता है ऑल काइंड ऑफ हैरेसमेंट, तो उसको ये नहीं मालूम होता कि हम क्या करें कहाँ जाए। थाने में जाने की ये बात बिल्कुल सही है कि बुदूर भी है जाना भी नहीं चाहता है ये। तीसरा ये हो जाता है कि बहुत बार घर से दूर मान के चलिए कि चाइना बॉर्डर अरुणाचल से या नागालैंड पेक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते ही है या आता है जस्ट 10-15 हज़ार में काम करके सुबह शाम करके जनरल प्राइवेट सेक्टर में रात को जनरली काम होता है, उसका सोशल लाइफ बिल्कुल वो नहीं हो पाता है, गिरजा नहीं जा पाता, अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा पाते, बस उसी में फिर डिस्ट्रेस हो जाती है, स्टार्टेड वो ड्रग एब्यूज या एल्कोहलिक एब्यूज जो भी हो जाता है। Which is actually dying right now. Our next beneficiary of the scaled Everest and Mountain Chonga, both of them, the Zordar Taliya Hujan, please, aapki. He's an engineer by profession, social activist, youth advocate, and an adventurer by choice. He has successfully summited Mount Everest in 2017. First ascent to an unclimbed peak during winter in 2018. And I must tell you that he has also successfully led the team of ONGC. Thank you very much. Hamare dice par upasthit hamare sare seniors aur jitne bhi hamare auditorium pe upasthit hamare sare families, colleagues, friends, bachcho. Sabse pehle to thank you very much All India SCSC Association जिन्होंने एक हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा सा एक ये प्रोग्राम रखा है जिसमें हम अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज कर सके उनके अचीवमेंट्स पर। ये बच्चे
Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Sir, please. Thank you very much, ladies and gentlemen. डाइस में बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी वर्ग और मेरे सहपाठी, जो प्रेजेंटेशन अभी दिया था डॉक्टर संदेशा ने और जो प्रोजेक्ट ओएनजीसी ने डॉक्टर हमने जेएनयू को दिया है, आई थिंक इट इज़ रियली अ वेरी सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड रियली इट इज़ द नीड ऑफ द मिस्टर योगेश हु कॉन्क्वर्ड द एवरेस्ट. So there are a lot of people from the Dhartula, but by the way, जो language है लिपिबद्ध नहीं है अभी तक. So you never know any point of time the language, the dialect which we have, that will be, you know, vanished from the this planet. So therefore, the effort which the Sandesa has taken through you know, the JNU and the help which has been provided by the ONGC, I'm sure that this is going to help the society. And I know the ONGC, you know, has been having a number of projects, even in Kajiranga, where I served as a director Kajiranga for 9 years. So there are also some, you know, projects are there, and in many fields, you know, the ONGC has come forward, and we look forward for that. The Sandesha, once her projects completes, and I'm sure that there will be many more such projects to conserve, preserve our society's deeds and past histories, along with the future prospect. With this, once again, thanks to the ONGC and all the dignitaries. Thank you very much. आप